everyone, a very good morning. Welcome once again to Agriculture Adda 24/7. Agriculture Adda 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। सुबह से दो क्लास हो चुका है, ये तीसरी क्लास है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, ओके। एंड उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था ना कि मैं आप लोगों को क्या अवेलेबल कराने वाला हूँ, मैं आप लोगों को अवेलेबल कराने वाला हूँ ये सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी भेज दिया है, ये आज से अपलोड होना चालू हो जाएगा। सो गो अहेड गाइज एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। सब्जेक्ट वाइज क्विजेस में रोज दो सब्जेक्ट के पांच पांच क्विजेस आपको मिलेंगे, ओके। आप बोलोगे सर पांच क्विजेस बस, यार जब तक एग्जाम होगा सोचो कितने सारे क्विजेस होंगे, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आज आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस का मिलेगा, तो फटाफट जाके क्विजेस जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और एग्रीकल्चर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यार जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्विजेस भी बढ़ने वाले हैं, नंबर ऑफ क्विजेस आपको वहां पे ज्यादा मिलने वाला है, तो फिर जरूर उसको अटेम्प्ट करें। चलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को, ओके। सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट द सेशन। लेकिन उससे पहले भाई आज ना इकोनॉमिक्स की जगह पे हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ना दो हफ्तों से एग्रोनॉमी नहीं पढ़े हैं। मतलब मंडे को मैं क्लास ले नहीं पा रहा था, मेरी पिछले मंडे शायद छुट्टी था या फिर कुछ था, और इस मंडे को मेरी तबीयत काफी खराब थी, ठीक है, तो क्लास नहीं लिया था मैंने। मैंने फिर देखा कि यार दो हफ्तों से हमने एग्रोनॉमी का क्लास किया ही नहीं है, तो क्यों ना इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं और एग्रोनॉमी की क्लास आज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सो गाइज, आपके जो एग्रीकल्चर महापैक है या फिर आपके जो एग्रीकल्चर के जितने भी बैचेस है ना, जैसे कि आपका AFO, FCI, एग्रीकल्चर महापैक, सभी पे 80% ऑफ है, प्लस डबल वैलिडिटी है। इसका मतलब ये 12 महीने, ये 24 महीने, ये सॉरी AFO 12 महीने के लिए अवेलेबल होगा, FCI 24 महीने, और एग्रीकल्चर महापैक 2 साल के लिए। आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, सर्च करना है जो बैच आपको चाहिए, बाय नाउ पे जाना है, कोड यूज करना है Y291A, आपको मिल जाएगा 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी, आप लोग कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। सो ये आपका AFO का बैच जो कि 3219 का होता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2600 रुपए में आपको मिलने वाला है, ओके। ये आपके FCI के सारे बैचेस हैं, ओके, जनरल, डिपो, सब कुछ, ओके। सो लेट्स गो अहेड, और ये आपका एग्रीकल्चर महापैक। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक्सेस ऑफ क्लोराइड्स इन टबैको इज डैश, ठीक है भाई। जब टबैको में बहुत ज्यादा क्लोराइड हो जाता है तो क्या होता है, लीफ बर्न, लीफ का जो बर्निंग क्वालिटी है वो खराब हो जाता है, एंड रिड्यूसेस द लीफ स्टोरेज कैपेसिटी, रिड्यूसेस द लीफ साइज एंड एरोमा, लीफ का साइज और उसका जो एरोमा है ना वो रिड्यूस हो जाता है, ओके, इंक्रीजेस द लीफ स्टोरेज कैपेसिटी एंड लीफ बर्न, लीफ स्टोरेज कैपेसिटी और लीफ बर्न जो है वो अच्छा होता है, इंक्रीज द लीफ साइज और एरोमा अच्छा होता है, बड़ा हो जाता है, ऑल ऑफ द एवर, मतलब सारे होंगे। अब बताइए क्या होगा आंसर, यस, रेडी स्टेडी गो, शेडी, इजी क्वेश्चन है गाइस, कम ऑन भाई, टाइम भी हो गया, इतना टाइम लोगे इस क्वेश्चन के लिए। पवन बता रहे हैं कि ई ऑल ऑफ द एवर होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, टोबैको में जब क्लोराइड ज्यादा होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, मैं ये पूछ रहा हूं भाई। जब टबैको में क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी तो फिर लीफ की जो बर्निंग क्वालिटी है ना वो खराब हो जाएगी, मतलब इनहिबिट होगा, इनहिबिट का मतलब क्या है, कोई चीज का रुक जाना, ठीक है। पता नहीं मैं लिखूंगा, हिंदी तो सालों हो गए हिंदी नहीं लिखे हुए, ठीक है, कोई भी चीज का रुक जाना उसको हम कहते हैं लीफ इनहिबिट होना, ठीक है, या फिर और उसका जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाना, इफ इट रिड्यूसेस देन इट इज नोन एज इनहिबिशन, ठीक है। तो लीफ बर्निंग की क्वालिटी खराब हो जाती है, और साथ ही साथ लीफ का जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, जो ड्राई मैटर स्टोर करता है, ठीक है, वो भी कम हो जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर हियर इज ए, ओके। देखो So, ये आपके टबैको का प्लांट है, अगर आप कभी टबैको के फील्ड में गए होंगे तो पता होगा कि यार बैंड बज जाती है, मतलब इतना खतरनाक स्मेल आता है, ठीक है। सो इट इनहिबिट्स द लीफ बर्न एंड रिड्यूसेस द लीफ स्टोरेज कैपेसिटी, ओके। तो क्या करता है यहाँ पे, जो आपका लीफ का बर्निंग क्वालिटी है उसको रोक देता, मतलब खराब कर देता है, और लीफ की स्टोरेज कैपेसिटी को कम कर देता है। क्लोराइड आयन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड बेनिफिशियल आयन फॉर प्लांट ग्रोथ, बट एक्सेस क्लोराइड इजिली लीड्स टू क्लोराइन सैलिनिटी, क्लोरीन बहुत ज्यादा बढ़ने से क्या होता है, सैलिनिटी या सॉल्ट कंटेंट बढ़ता है, इसीलिए मुझे आप
आप लोग बताओ कि कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें क्लोरीन का यूज मना किया जाता है। टोबैको के अलावा कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें क्लोरीन को यूज करने से मना किया जाता है। इन विच क्रॉप्स जनरली क्लोरीन इज अवॉइडेड अपार्ट फ्रॉम टोबैको। एज अ स्पीसीज सेंसिटिव टू क्लोरीन, एक ये बेसिकली टोबैको जो है सोलेनेसी से है, और सोलेनेसी के फैमिली के जितने भी प्लांट्स है ना वो सबके सब क्लोरीन से सेंसिटिव है। टोबैको एक्सपीरियंसेस सीरियस डैमेज व्हेन एनकाउंटरिंग एक्सेसिव क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट। वेरी गुड मॉर्निंग शंकर। इन इंडिया झूमिंग अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन डैश। ठीक है, इंडिया में जो झूम कल्टिवेशन है उसको कौन से स्टेट में बेवर या दहिया कहा जाता है? आंसर, ओहो आंसर दिखा दिया क्या मैंने? बताओ बताओ बताओ, इजी क्वेश्चन है। मैं ना बढ़िया सा टाइमर लेके आया हूं, थोड़ा छोटा लग रहा है टाइमर, कल से थोड़ा बड़ा लेके आएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एग्री वर्ल्ड, वेलकम टू द सेशन। इन इंडिया झूमिंग, क्या बात है आज इतने कम बच्चे, कैसे हैं भाई? ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बेवार या दहिया कहा जाता है। तो सर बाकी स्टेट्स में क्या कहा जाता है आइए देख लेते हैं। ठीक है, सो मध्य प्रदेश में इसको बेवार या दहिया कहा जाता है झूम कल्टीवेशन को। आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा कहा जाता है। ओडिशा में पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स में कुमारी कहा जाता है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में वलरे या वॉल्ट्रे कहा जाता है। हिमालयन बेल्ट में खील कहा जाता है, और झारखंड में कहा जाता है कुरुवा। क्या कहा जाता है? कुरुवा कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है झूम कल्टीवेशन? बेसिकली क्रॉप उगाते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद इसको जला देते हैं, फिर दूसरे फील्ड में जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन या फिर सिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन डैश। ठीक है भाई, जो खरीफ क्रॉप है ना, ठीक है, वो यहाँ पे मॉनसून के ऑनसेट, मतलब जब भी मॉनसून आता है तो खरीफ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन उनको हार्वेस्ट किस महीने में किया जाता है? वेरी गुड मॉर्निंग शुभश्री। जुलाई टू अगस्त, जून टू अगस्त, सेप्टेम्बर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर या जनवरी टू फरवरी। कौन से महीने में? बेसिकली क्वेश्चन, छोटे छोटे स्टेटमेंट में मैं क्वेश्चन बता देता हूं, खरीफ क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट किया जाता है, बताओ आंसर, कम ऑन। आंसर गाइस, अक्टूबर टू नवंबर, सितंबर टू अक्टूबर, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। सितंबर टू अक्टूबर, नवंबर तक मत जाओ, नवंबर में सोइंग स्टार्ट हो जाता है रबी क्रॉप का। ठीक है, नवंबर में रबी क्रॉप का सोइंग स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ यार, पुराने को, इससे पहले वाले क्वेश्चन के आंसर किसी ने नहीं दिया। शुगरकेन में नहीं यूज होता है, पोटैटो में नहीं यूज होता है, सोलानेसी फैमिली के जितने भी क्रॉप्स हैं क्लोरीन उसमें यूज नहीं होता है। शुगरकेन में सुक्रोज क्वालिटी खराब होती है और बाकी सब में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ठीक है, पोटैटो में ड्राई मैटर फिलिंग नहीं हो पाता है, अंदर से खोखला रह जाता है। ओके, साथ ही साथ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, हमारा इंडिया का एग्रीकल्चरल ईयर है जुलाई से लेके अगस्त, कब से कब है? जुलाई से लेके अगस्त तक का है। ओके, जुलाई में हम खरीफ के क्रॉप्स जनरली जून जुलाई में सोइंग करते हैं पहली बारिश के साथ। ठीक है, और सितंबर से अक्टूबर, मतलब दशहरा तक हम इसको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और जो आपके रबी क्रॉप्स की सोइंग है वो नवंबर या फिर दिवाली के आसपास सोइंग चालू होता है, और फिर इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है ये फरवरी से लेके मार्च के बीच हो जाता है। ओके, और फिर मार्च अप्रैल के महीने में हम समर क्रॉप्स ग्रो करते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग आरती, गुड मॉर्निंग धरित्री, वेलकम टू द सेशन। सितंबर अक्टूबर खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विथ द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जैसे ही बारिश आती है ना, पहली बारिश, तो खरीफ क्रॉप की सोइंग की जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। इनका जो हार्वेस्ट है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन, इन सीजन में
खरीफ सीजन में कौन कौन से क्रॉप ग्रो किए जाते हैं? पैडी, चावल, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार को सोरगम कहते हैं इंग्लिश में, बाजरा को पर्ल मिलेट कहते हैं, तुर, अरहर, रेड ग्राम या पीजीएनपी, मूंग, ग्रीन ग्राम, उड़द, ब्लैक ग्राम, कॉटन, कपास, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। ठीक है, ग्राउंडनट, मूंगफली और सोयाबीन, तो सोयाबीन ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीट रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन डैश, वीट को ना जो एनुअल रेनफॉल है वो कितने से कितने के बीच में चाहिए? ठीक है, 50 to 75 सेंटीमीटर, अबाउट 200 सेंटीमीटर, 200 and 300 सेंटीमीटर, लेस देन 20 सेंटीमीटर, मोर देन 400 सेंटीमीटर। आंसर गाइस, क्या बात है, एग्रोनॉमी है यार, इतना मतलब कम रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इकोनॉमिक्स में सर नहीं पता है, इकोनॉमिक्स हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं है, लेकिन एग्रोनॉमी में इतना कम रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है? सीना, रिया, आरती, सभी लोग ए बता रहे हैं, 50 and 75 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, मैंने एमएम में नहीं, मैंने सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है ना भाई। 400 सेंटीमीटर बहुत होता है, 400 सेंटीमीटर मतलब 4000 mm। बाढ़, इतनी बाढ़ आएगी कि हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है, 4000 mm बहुत होता है, मैंने सेंटीमीटर में दे रखा है। सो 500 to 750 mm इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सो वीट रिक्वायर्स एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 50 and 75 सेंटीमीटर और 500 mm to 750 mm, ओके। नेक्स्ट, वीट इज द, अच्छा हाँ, यहां पर एक अच्छा सा पिक्चर है, तो मैं यहां पर एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हो, एक ये है वीट का, एक गेहूं का दाना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यार ये सेम लाइन पे नहीं है, ये ना सेम लाइन पे नहीं है, ऐसे जिगजैग लाइन पे है, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो जिगजैग एक्सिस है वीट का, उसको क्या कहा जाता है? कम ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, भाई मेज के ग्रोथ के लिए, मक्के के ग्रोथ के लिए बेस्ट या ऑप्टिमम कंडीशन कौन सा होता है? टेम्परेचर बिटवीन 18 degrees Celsius to 27 degrees Celsius एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल, टेम्परेचर बिलो 17 degrees Celsius एंड शैलो ब्लैक सॉइल, टेम्परेचर ऑफ 25 degrees Celsius एंड 200 centimeter ऑफ रेनफॉल, बोथ बी एंड सी या नन ऑफ द अबव। वेरी गुड एवरीवन, ठीक है, उसको रैचिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द जिगजैग एक्सिस इज नोन एज रैचिस इन वीट, ठीक है, गेहूं के जिगजैग एक्सिस को रैचिस कहा जाता है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, फैलेरिस माइनर आरती क्या है? वीड है, ठीक है, वीट में वीड है फैलेरिस माइनर। टाइम इज अप भाई, ग्रोथ ऑफ मेज, ग्रोथ ऑफ मेज में आंसर आया है, रिया इज सेइंग ए एंड पवन इज सेइंग ए, द राइट आंसर इज ऑल्सो ए। देखो, मक्के के ग्रोथ के लिए हमें 18 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, खरीफ सीजन का होता है ये क्रॉप, और बिहार में रबी में भी ग्रो किया जाता है, और ओल्ड एलुवियल सॉइल जो कि एक्चुअली यूपी और बिहार में मिलेगा उसको हम ग्रो करते हैं। आप जितना वेस्ट बंगाल की ओर आओगे आपको न्यू एलुवियल सॉइल मिलेगा, और आप जितना यूपी बिहार के साइड जाओगे आपको ओल्ड एलुवियल सॉइल मिलेगा, ठीक है। टेम्परेचर बिलो 17 डिग्री सेल्सियस बहुत कम हो जाता है, ओके। शैलो ब्लैक सॉइल मक्के के लिए सही नहीं है क्योंकि प्लांट गिर जाएगा, बहुत हाइट वाला प्लांट है। टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस चलेगा, बट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो मक्का कुछ इस तरह का दिखता है भाई, ये होता है मक्के का सिल्क, फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये होता है कॉब, क्या होता है? कॉब होता है, और ये सिल्क होता है, फीमेल फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस या फ्लावर होता है, मेल फ्लावर को क्या कहते हैं? टैसल, ठीक है। मेज इज ग्रोन इन अ वार्म एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोइंग मेज इज बिटवीन 18 degrees Celsius to 27 degrees Celsius इन डे, ठीक है, दिन में जो टेम्परेचर है 18 से 27। अच्छा, ये क्वेश्चन ना किसी ने मुझसे पूछा था, सर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो दिन का होता है या रात का होता है? हम हमेशा ऑप्टिमम टेम्परेचर दिन के बारे में बात करते हैं, रात के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि रात में हमेशा टेम्परेचर गिरेगा, रात में कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिन में हो। सर बैंक महापैक प्लस में एफसीआई का कोर्स मिलेगा? जी नहीं रॉबिन, नहीं मिलेगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन, आपको टेक्निकल का कोर्स मिलेगा एग्रीकल्चर महापैक में, और टेक्निकल में जो मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस है ना, वही मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस के क्लास आपके जनरल और डिपो में भी होता है, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हो, अभी आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलती है, 6000 उसका प्राइस है, ठीक है।
उसमें आप टेक्निकल के क्लासेस मत कीजिएगा, जो मैथ इंग्लिश रीजनिंग वगैरह के क्लास है ना वो आप कर सकते हो, या फिर बेटर है अगर आप आपको अगर आपको एग्रीकल्चर महापैक के कोई एग्जाम की जरूरत नहीं होगी तो आप जनरल या डिपो का बैच अलग से ले सकते हो। जनरल और डिपो के बैच में अभी आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। कोड आपको यूज करना है Y291A, ठीक है। नेक्स्ट सर, एफओ का मेंस का कोर्स लेना है, हाँ तो ले लीजिए बिमल, 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, 6 अक्टूबर से मेंस का कोर्स, सिर्फ मेंस का भाई, मेंस और प्री का कोर्स है, कंबाइंड कोर्स है, मेंस और प्री का 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द 140 फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है। 140 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें बर्फ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और दोनों ही केस में चाहे आपको एफसीआई बैच लेना है या एफओ बैच लेना है, आपको 80% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी मिलती है। कोड आपको Y291A यूज करना है। विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, शुगर केन के ग्रोथ के लिए आइडियल कंडीशन क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर, टेम्परेचर बिलो 17 डिग्री सेल्सियस 17 डिग्री सेल्सियस से कम और 50 से 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल, टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। जरा सोचो कि शुगर केन टेम्परेट क्रॉप है या ट्रॉपिकल क्रॉप है, और अगर ट्रॉपिकल क्रॉप है तो इंडिया में कौन से जगह पे ग्रो किया जाता है, वहां का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर क्या है, ठीक है। क्योंकि हर एक क्रॉप का अलग से याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो इंडिया के मैप को अपने दिमाग में रखो और सोचो कि इंडिया के कौन कौन से जगह पे किस किस तरह का जनरल टेम्परेचर देखने को मिलेगा। कैसे ले सकते हैं विमल? अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर नीचे ना मोबाइल में स्टोर लिखा होगा, राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, बॉटम कॉर्नर पे। स्टोर पे क्लिक करने के बाद सर्च में एफओ पे एफओ कीजिए, सर्च एफओ, आपको एक बैच दिख जाएगा जो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देख के हाँ, पुराना बैच मत ले लीजिएगा, 6 अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रहा है वो बैच में जाइएगा, बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे आपको एक कूपन कोड मांगेगा, उस कोड में आपको यूज करना है Y291A, ठीक है। जैसे ही आप उस वहां पे Y291A यूज करेंगे वो प्राइस दिखाएगा आपको 2800, ठीक है। वहां पर एक कुछ कॉइन्स होंगे, उस कॉइन्स पे टैप कीजिएगा, प्राइस और भी कम हो जाएगा, मेरे ख्याल से 2660 रुपए में आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, ठीक है। यस धरित्री, यू कैन, धरित्री आप ग्रुप में हो ना, मैसेज करना ग्रुप में, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कोड है अपग्रेड करने के लिए, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके सो देखो, हाँ आंसर क्या है? ए, टेम्परेचर ऑफ 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो यहां पर है 21 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और एनुअल रेनफॉल 750 से 100 सेंटीमीटर का चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट शुगर केन की बात कर लेते हैं भाई, टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस क्या है? टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल 750 mm से 1000 mm के बीच में चाहिए। शुगर केन इज द मेन कमर्शियल क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। तो टेम्परेट कंट्री में कौन सा क्रॉप यूज होता है? टेम्परेट क्रॉप यूज होता है शुगर एक्सट्रैक्ट करने के लिए? सर बैंक महापैक ले लिया है, बैंक महापैक में विमल नहीं मिलेगा, बैंक महापैक प्लस में मिलता, अगर बैंक महापैक प्लस लेते तो उसमें एफओ मिलता, बैंक महापैक में नहीं मिलेगा, ठीक है। सर एफओ टेस्ट सीरीज पे हाँ है ना, लेकिन हेमेंद्र नया टेस्ट सीरीज नहीं आया है, तो मेरे अगर आपने कब, हाँ अगर आपने नहीं लिया होगा तब आपको दिखेगा Y291S, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन स्पॉइल टी क्रॉप, भाई चाय के क्रॉप को कौन सा कंडीशन खराब कर सकता है? फ्रीक्वेंट ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है, एफओ में आया हुआ है पहले ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, पूरे साल में हल्का हल्का सा बारिश हो तो टी का जो चाय का बगान है वो खराब हो जाएगा। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, बिल्कुल भी बर्फ ना गिरे। डी फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉयल, अच्छा फर्टाइल सॉयल जिसमें ड्रेनेज अच्छा हो। क्ले सॉयल विच हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा?
सोच समझ के आंसर दीजिए. वेरी गुड. शुगर बीट, एप्पल. एप्पल क्या होगा? शुगर बीट. देखो जो ठंड वाले रीजन है ना, जो ठंड वाले क्रॉप जगह है, जैसे यूरोपियन स्टेट्स हो गया, कंट्रीज हो गया, वहां पे शुगर केन की जगह शुगर बीट यूज किया जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और यहां पर राइट आंसर होगा डी. देखो ये तीनों सही है, लेकिन क्ले सॉइल में आप टी का क्रॉप ग्रो नहीं कर सकते हो जहां पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो. अगर ड्रेनेज का प्रॉब्लम होगा तो फिर टी का जो क्रॉप है ना वो खराब हो जाएगा. तो फिर हम कैसे कैसे सॉइल में ग्रो कर सकते हैं? हम सैंडी लोम या सिल्टी लोम सॉइल में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, टी सॉइल शुड नॉट बी वेरी सैंडी और वेरी क्लेई. बहुत ज्यादा सैंडी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लेई नहीं होना चाहिए. सैंडी लोम टू सिल्टी लोम सॉइल इज सुइटेबल फॉर टी कल्टीवेशन. ओके, चूज द क्रॉप्स विच वेयर क्रॉप्ड बाय यूजिंग हाई यील्डिंग सीड्स इन इंडिया ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन. ठीक है, उन क्रॉप्स को चूज कीजिए जिनको यहां पर जो हाई यील्डिंग सीड्स यूज उन क्रॉप्स को चूज कीजिए जिनका हाई यील्डिंग सीड यूज किया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान. क्या होगा आंसर? चूज द क्रॉप्स विच वर क्रॉप्ड बाय यूजिंग हाई यील्डिंग सीड्स इन इंडिया ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन. भाई ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान जो क्रॉप्स यूज किए गए थे वो है राइस, व्हीट, ज्वार, मिलेट एंड मेज. ओके, नेक्स्ट. इन 1966 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन हाई यील्डिंग वैरायटी सीड ऑफ व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, मिलेट वेयर सोन. ठीक है, इट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल विथ फॉडर क्रॉप्स स्पेशली व्हीट एंड राइस. ठीक है, मतलब जो ग्रास फैमिली के क्रॉप है उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था. एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, कमर्शियल एग्रीकल्चर क्या है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है. तो आज का जो ये क्वेश्चन है वो है एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है. फार्मिंग ऑन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट के स्लोप पे जो फार्मिंग होती है हिली एरियाज में, वो फार्मिंग इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो, फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज, फार्मिंग इन द फॉरेस्ट्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजियन, नन ऑफ द अबव. आंसर. मेरे पास ऑलरेडी अड्डा का महापैक है, वो अपडेट नहीं हो सकता. नहीं रॉबिन, कोई महापैक को महापैक अपडेट नहीं हो सकता है. वो ऐसा होता है कि कभी कभी क्या बोलते हैं, बैचेस के साथ होता है, बहुत रेयर सिनेरियो, बट महापैक से महापैक कभी कोई अपडेट नहीं होता है. ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज सी, फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज. ठीक है, फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज. ओके, नेक्स्ट. फार्मिंग इन द थिनली पॉपुलेटेड एरियाज एक्सटेंसिव, जहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं है, जहां पर जमीन ज्यादा है वहां पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किया जा सकता है. एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज फार्मिंग इन थिनली पॉपुलेटेड एरियाज एंड एग्रीकल्चरल टेक्निक वेयर ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ लैंड, बहुत बड़ा जमीन होता है, बहुत बड़ा लैंड होता है. ठीक है, वहां पे कल्टिवेशन किया जाता है और जो आउटपुट होता है ना वो मैक्सिमम नहीं होता है, मिनिमम आउटपुट निकाला जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए. जो फार्मर है ना, फार्मर का गुजारा हो जाए उसके लिए. सब्सिस्टेंस का मतलब ही होता है गुजारा करना. ठीक है, नेक्स्ट. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय डैश. सॉइल की फर्टिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं? एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स, एडिंग डेड अर्थवर्म्स, रिमूविंग डेड अर्थवर्म्स, रिमूविंग लिविंग अर्थवर्म्स एंड एडिंग डेड अर्थवर्म्स. ठीक है, ऑल ऑफ दिस. सॉइल के फर्टिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आंसर. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय डैश. टाइम इज अप. वेरी गुड, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सुपर इजी. सो बेसिकली बाय एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स. तो अर्थवर्म्स करेंगे क्या? सो बेसिकली जब आप लिविंग अर्थवर्म्स ऐड करोगे सो दे विल एक्सक्रीट. ओके, सो दे विल कंज्यूम द सॉइल एंड दे विल एक्सक्रीट एंड दिस विल मेक द सॉइल मोर फर्टाइल. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स हेल्प टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर, मतलब एरेशन ज्यादा होगा
वाटर ज्यादा होल्ड करेगा दैट गेट्स इनटू द सॉइल. दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स एंड ग्रास इनटू थिंग्स दैट प्लांट्स कैन यूज. व्हेन दे ईट दे लीव बिहाइंड कास्टिंग्स या फिर जो एक्सक्रीटा होता है दैट आर वेरी वैल्यूएबल टाइप ऑफ फर्टिलाइजर. अर्थवर्म्स आर लाइक फ्री फार्म हेल्प. ठीक है, तो अर्थवर्म को क्या कहा जाता है? फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है, फार्मर्स फ्रेंड. एंड जो कंपोस्ट अर्थवर्म बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट. ओके, नेक्स्ट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर ऑफ सॉइल. ठीक है, इनमें से कौन से मेथड हैं जो यहां पे फर्टिलिटी या मॉइस्चर को कंजर्व करने में हेल्प नहीं करते हैं? कॉन्टूर प्लॉविंग, ड्राई फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, बोथ ए एंड डी. आंसर, कम ऑन गाइस, क्या होगा? ई और बी के बीच कंफ्यूजन है. द राइट आंसर इज डी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. देखो ये बोल रहा है कि फर्टिलिटी कंजर्व नहीं करेगा. कॉन्टूर प्लॉविंग क्या है? एक हिली रीजियन है. हिली रीजियन में आपने दो पॉइंट चुना जो कि नीचे मीन सी लेवल से इक्वल हाइट पे है, फिर उसको आपने ज्वाइन किया. जब आप इस पे प्लॉविंग करोगे तो सॉइल कंजर्व होगा ही होगा. ड्राई फार्मिंग में होगा? जी हाँ होगा, हम करते हैं ड्राई फार्मिंग में सॉइल कंजर्वेशन. ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में होगा? जी हाँ, स्ट्रिप क्रॉपिंग में होगा. स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या किया जाता है? इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग वन रो, अ कलेक्शन ऑफ रोज इज प्लांटेड. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग. दूसरा बचता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन या झूम कल्टिवेशन. शिफ्टिंग कल्टिवेशन और झूम कल्टिवेशन इज नॉट गुड फॉर सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन के लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, सॉइल जल्दी खराब हो जाता है. सो डी इज द राइट आंसर. शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं या झूम कल्टिवेशन के भी कहते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाता है. इन द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस सीरियल कंप्राइज ऑफ डैश. भाई एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस में सीरियल क्या होता है? सीरियल में क्या क्या आते हैं? रबर, ऑयल सीड, ग्राउंडनट, कॉटन, जूट, हेम्प, टी, कॉफी, कोकोआ, राइस, व्हीट, मिलेट, बोथ ए एंड डी. ओ आंसर, सीरियल्स में कौन कौन से क्रॉप आते हैं? What are the crops that are included in cereal? Answer, come on. Yes, easy hai, theek hai. So it is D. Okay. So rice, wheat and millet. Cereals ya phir series se related hai. Jitne bhi carbohydrate based crops hai. In the agricultural resources, cereals of rice, wheat, maize and millets. Rice, wheat, maize, millets. Seven principal cereals grown in the world. Wheat, maize, rice, barley, oats, rye, sorghum. ठीक है, और रागी भी है, इंडिया में ग्रो किया जाता है, फिंगर मिलेट. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप इन इंडिया. कैश क्रॉप मतलब भाई आप ना तुरंत फील्ड से लिए और उसको बेच डाले, उसको हम कैश क्रॉप कहते हैं. मेज, ग्राम, ऑनियन, व्हीट, बाजरा. मेज, ग्राम, ऑनियन, व्हीट, बाजरा, जिसको आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप लेके सीधा फील्ड से लेके जिसको सेल कर सकते हो उसको क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप इन इंडिया. सो द राइट आंसर हियर इज सी, ऑनियन. ठीक है, ऑनियन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑनियन सीधा आपने फील्ड से लिया और बेच दिया. दिस इज नोन एज द कैश क्रॉप. ओके, ऑनियन इज अ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप इन ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस. द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज मेकिंग अरेंजमेंट्स टू हेल्प ऑनियन ग्रोवर्स एंड मैक्सिमाइज द रिजल्ट्स फ्रॉम द कैश क्रॉप. क्योंकि हमेशा जब ठंड का टाइम आता है ना तो ऑनियन का क्रंच आता है, मतलब अवेलेबल नहीं होता है और प्राइस काफी बढ़ जाता है. द क्रॉप रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द अर्ली स्टेजेस एंड ड्राई वेदर कंडीशन इन द लेटर स्टेजेस सो दैट द वेजिटेबल कैन ड्राई. ड्राई नहीं होगा तो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा.
अ फ्यू शावर्स ऑफ रेन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर, दिसंबर के महीने में जब थोड़ी बहुत बारिश होती है, एंड जनवरी आर बेनिफिशियल टू द रबी क्रॉप्स बिकॉज दे डैश. ठीक है, रबी क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है. इट इज बेनिफिशियल टू रबी क्रॉप्स. व्हाई? मेक द प्लांट स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट, कॉजेस फॉल इन टेम्परेचर, प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और नन ऑफ द अबव. हम दिसंबर और जनवरी के महीने के बारे में बात कर रहे हैं, सोच समझ के आंसर देना. सुसीना इज सेइंग बी. वेरी गुड. तो बेसिकली होता क्या है, सुनो, ये एक पत्ता है. ठीक है, अच्छा आपने कभी देखा है कि जो आइस होता है ना, एक ड्राई आइस होता है. ठीक है, ड्राई आइस बेसिकली होता क्या है कि आपका जो आइस है वो प्लांट के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है. ठीक है, तो आइस के क्रिस्टल्स तो बनेंगे ही बनेंगे जहां पे ठंड बहुत होगा. ठीक है, लेकिन अगर इस ठंड में थोड़ा बहुत बारिश हो गया तो आइस कभी ड्राई नहीं होगा, और आइस अगर ड्राई नहीं हुआ तो फ्रॉस्ट इंजुरी नहीं होगा. क्या नहीं होगा? फ्रॉस्ट इंजुरी नहीं होगा. सो तो ड्राई होगा मतलब क्या है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है टेम्परेचर, तब जो है आइस ड्राई हो जाता है, मतलब मॉइस्चर बिल्कुल हट जाता है, और ये आइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है प्लांट के लिए. जब तक आइस के ऊपर पानी रहेगा, जब तक मॉइस्चर रहेगा, ठीक है, तब तक आइस को, आइस जो है प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. सो ये जो बारिश हो जाता है बीच में, तो ये क्या करता है, जो बर्फ है, बर्फ के ऊपर एक मॉइस्चर का लेयर बना के रखता है, जिसके वजह से प्लांट्स को फ्रॉस्ट डैमेज नहीं होता है. प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट, अ फ्यू शावर्स ऑफ रेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी आर बेनिफिशियल टू द रबी क्रॉप्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट. ओके, गुजरात इज नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डैश. गुजरात किस चीज के कल्टिवेशन के लिए या खेती के लिए माना जाता है या जाना जाता है? कॉटन, शुगर केन, सैफ्रॉन, जूट, पोटैटो. कॉटन, शुगर केन, सैफ्रॉन, जूट, पोटैटो. गुजरात इज नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डैश. सर किस कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन है? वर्षित, मेरा ग्रेजुएशन है आचार्य एनजीरंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जिसको आप एनजीरंगा या एंग्राव के नाम से जानते होगे भाई, हैदराबाद. अभी तो हैदराबाद नहीं है, अभी तो आंध्र प्रदेश है. जब मैं पढ़ता था तब हैदराबाद में हुआ करता था, अभी हैदराबाद का यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. ओके, ये हैदराबाद हो गया, पहले ये एंग्राव हुआ करता था, आचार्य एनजीरंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी. इसमें एक कैंपस है जो कि है बापटला कैंपस, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है. मेरी ग्रेजुएशन यहां से पूरी हुई है. ठीक है, चलो. गुजरात इज नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ डैश. भाई किस चीज के कल्टिवेशन के लिए? सो द राइट आंसर हियर इज कॉटन. ठीक है, सो गुजरात इज नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. ओके, नेक्स्ट. गुजरात इज नोटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल. ठीक है, ब्लैक सॉइल को कहते हैं हम रेग्यूर सॉइल. रेग्यूर सॉइल का मतलब कॉटन. रेग्यूर मतलब कॉटन ही होता है, कपास होता है. एंड सनलाइट फॉर मोर देन 210 डेज. ओके, आंसर. सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड सेम यूनिवर्सिटी. ओ दैट्स ग्रेट, JNKVB. ओके, सो माई ग्रेजुएशन इज फ्रॉम एंग्राव बापटला कैंपस, एंड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इज फ्रॉम CSA, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर. नेट क्वालिफाइड एंड PhD दो बार, मतलब सब कुछ क्वालिफाई करके. सीट अलॉटमेंट हो चुका है, बट वो नहीं किया मैंने, एडमिशन नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज इन ए जॉब, सो ऑब्वियसली छोड़ना नहीं था. सो राइट आंसर क्या होगा भाई? रबी क्रॉप पूछा है, ये रबी हो जाता है. रबी क्रॉप कॉटन ना मस्टर्ड होगा क्या? अरे मस्टर्ड होगा भाई, राइस तो नहीं होगा. मेज और मस्टर्ड होगा क्या? ओके, ऑलरेडी आप लोगों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड. सो मेज भी रबी क्रॉप नहीं है, द राइट आंसर इज मस्टर्ड. ठीक है, राइट आंसर इज मस्टर्ड. मस्टर्ड इज अ रबी क्रॉप. द मेजर रबी क्रॉप इन इंडिया इज व्हीट फॉलोड बाय बार्ले, मस्टर्ड, सेसमे एंड पीस. क्रॉप इज सेड टू बी रबी और खरीफ ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशंस एंड एनवायरमेंट दैट सपोर्ट्स इट इट्स ग्रोथ. ठीक है, अगर ये गर्मी के कंडीशन में अच्छा ग्रो हो पाता है तो इसको हम खरीफ कहते हैं, एंड इफ इट ग्रोज वेल इन विंटर कंडीशंस देन इट इज नोन एज रबी क्रॉप. ओके, नेक्स्ट.
So Gayatri, from which campus have you completed your graduation? Number 17, which of the following is not primarily a rabi crop in India? Which of the following is not primarily a rabi crop in India? Wheat, gram, jute, linseed, all of the above. सर एज कितनी है आपकी? बुढ़ा हो गया यार मैं तो. हाँ, आईबीपीएस भी क्वालिफाइड है. देखो मैंने कभी आईबीपीएस के लिए तैयारी नहीं की, बस मैंने एक बार एग्जाम दिया था एंड सो प्री एक ही बार मैंने एग्जाम दिया था जब मैं आईबीपीएस के लिए पढ़ाने वाला था. सो तो मेरा उस साल प्री में था 62 एंड मेंस का मेंस में 38 और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, अच्छे से याद नहीं आ रहा है. सो ओवरऑल इंटरव्यू में था 16.75 आई गेस एंड ओवरऑल जो जब फाइनल शॉर्ट लिस्ट जब फाइनल मार्क्स आया था तो वहाँ पे शायद 2 मार्क्स से रह गया था. बट आई वॉज लाइक कि यार मतलब मुझे तैयारी नहीं करना था आईबीपीएस का, मैं तैयारी कर रहा था एआरएस का एंड पीएचडी का. बट देन आई गॉट दिस जॉब एंड फिर मैं पढ़ाने लग गया, मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है, फिर मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा. चलो आंसर फ्रॉम श्रीकाकुलम. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी रबी क्रॉप इन इंडिया? द राइट आंसर इज जूट. जूट इज नॉट अ रबी क्रॉप, जूट इज अ खरीफ क्रॉप. ठीक है, जो कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है? वेस्ट बंगाल. इट इज ग्रोन इन वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. ओके, द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, लेकिन सबसे ज्यादा इन वेस्ट बंगाल. ओके, नेक्स्ट, जूट इज नॉट प्राइमरीली अ रबी क्रॉप इन इंडिया. जूट जो है प्राइमरीली एक रबी क्रॉप नहीं है इंडिया में. जूट इज अ खरीफ क्रॉप एंड आर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स दैट आर कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हिच लास्ट फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर. और जूट क्या है? दिस इज अ फाइबर क्रॉप. ठीक है, एंड वॉट काइंड ऑफ फाइबर इट इज? इट इज अ स्टेम फाइबर. सो बेसिकली फाइबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेम. ठीक है, स्टेम से फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट, ट्रैप क्रॉप रेफर टू डैश. भाई ट्रैप क्रॉप्स कौन से होते हैं? क्रॉप्स ग्रोन अराउंड द मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप के चारों तरफ, मान लो अगर ये मेन क्रॉप है, दीज आर द ट्रैप क्रॉप्स. ओके, विच इज मोर ससेप्टेबल टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस देन द मेन क्रॉप. क्रॉप्स विच आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिजीजेस, जो रेजिस्टेंट है. क्रॉप्स एफिशियंट इन ट्रैपिंग द सोलर रेडिएशन. क्रॉप्स एफिशियंट इन ट्रैपिंग रेनफॉल और ऑल ऑफ द एवर. आंसर, हाँ, फ्लोएम या फिर बास्ट फाइबर भी कहा जाता है. स्टेम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर. कॉटन इज नोन एज सीड फाइबर. ठीक है, आंसर, यस, वेरी गुड. ओके, सो द राइट आंसर हियर इज ए. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन अराउंड द मेन क्रॉप एंड आर ससेप्टेबल. क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा तो फिर क्रॉप क्या कर, बेसिकली होता क्या है, आप अगर मान लो एक इंसेक्ट है, अगर वो कोई प्लांट के पास जाएगा जो उस इंसेक्ट डैमेज से रेजिस्टेंट होगा, तो प्लांट क्या करेगा, उस इंसेक्ट क्या करेगा, उस प्लांट पे रहेगा ही नहीं. इट विल मूव टुवर्ड्स अनदर प्लांट व्हिच इज ससेप्टेबल. हेंस ट्रैप क्रॉप्स आर ससेप्टेबल प्लांट्स. ठीक है, ट्रैप क्रॉप्स जनरली ससेप्टेबल होते हैं इंसेक्ट अटैक से. ओके, नेक्स्ट, सो प्रोटेक्शन मे बी अचीव्ड आइदर बाय प्रिवेंटिंग द पेस्ट फ्रॉम रीचिंग द क्रॉप और बाय कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टन पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर दे कैन इकोनॉमिकली बी डिस्ट्रॉयड. मतलब या तो हम मेन क्रॉप से पहुंचने तक रोकें या फिर हम उनको खींच लाएं किसी दूसरे जगह पे. अल्फा अल्फा प्लांटेड इन स्ट्रिप्स अमॉन्ग कॉटन. कॉटन में अल्फा अल्फा जनरली प्लांट किया जाता है टू ड्रॉ अवे लाइगस बग्स वाइल कैस्टर बीन्स सराउंड द फील्ड और टोबैको प्लांटेड इन स्ट्रिप्स अमॉन्ग इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड वर्म हेलियोथिस. ठीक है, अलग अलग होते हैं. इवन कॉटन में एक टेक्निक है दैट इज नोन एज रिफ्यूजिया टेक्निक. ठीक है, सो एट द सेंटर बीटी कॉटन इज प्लांटेड and then normal cotton is planted. So whenever bollworm attacks the normal cotton. जो bollworm है ना वो normal cotton को attack करते हैं and they cannot develop resistance against the BT cotton. ठीक है, easy. Next, heteromorphic seeds of the plant families Asteraceae. Plant family दे रखा है Asteraceae and Chenopodiaceae do not permit dash exchange. प्रोटेक्शन
प्रतीक, अगर ये सर का नॉलेज गलत है तो क्लास में मत आइए, वरना आपको परमानेंटली चैनल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ना आप मेरी क्लास देख पाओगे, ना आप आकाश वाजपेयी सर की क्लास देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरह के कमेंट्स करने से पहले जरा एक बार सोचा कीजिए कि आप कभी फिर चैनल में आके क्लासेस नहीं कर पाओगे। ओके, फिर आपको आकाश वाजपेयी सर के भी क्लासेस नहीं मिलेंगे। ओके, जब आप कुछ बोल रहे हो, यू शुड हैव प्रॉपर एविडेंस टू प्रूव इट। ठीक है, सो पहले वो करो और फिर जाके यहां पर आके कमेंट करो। ओके, और ये गलत तरीके के कमेंट्स यहां पर आके मत किया करो। ओके, गॉट इट? सो डोंट बी अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट। चलिए, सो हम वापस आते हैं भाई अपने पढ़ाई पे। कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए उनका मकसद ही होता है, सो उनको हम लोग साइड में रखते हैं एंड लेट्स गो अहेड एंड स्टडी। ठीक है, वाटर केमिकल गैसियस लाइट ऑल ऑफ द एवब। ओके, वाटर केमिकल गैसियस लाइट ऑल ऑफ द एवब क्या होगा आंसर? सो ऑलरेडी आप लोग आंसर दे चुके हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट हेट्रोमॉर्फिक सीड्स ऑफ द प्लांट फैमिलीज एस्टरेसी। ठीक है, सो एस्टरेसी और चिनोपोडियेसी जैसे फैमिलीज के जो हेट्रोमॉर्फिक सीड्स होते हैं, ओके, वो क्या परमिट नहीं करते हैं? द राइट आंसर इज गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज परमिट नहीं करते हैं, मतलब परमिएबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, सीड हेट्रोमॉर्फिज्म ऑल्सो टर्म्ड एज सीड पॉलीमॉर्फिज्म और सीड डाइमोमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म, ठीक है, सो सीड हेट्रोमॉर्फिज्म बेसिकली आप लोगों ने जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से मीनाक्षी मैम ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। इट इज द इवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी वेयर अ प्लांट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग टू और मोर डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सीड विच मे डिफर इन मॉर्फोलॉजी, राइपनिंग, डॉर्मेंसी, सीड साइज, डिस्पर्सल और जर्मिनेशन टाइम। ठीक है, जैसे कि नाम बता रहा है हेटेरो, हेटेरो मतलब हर एक सीड अलग होगा। क्या होगा भाई? हर एक सीड यहां पे अलग होगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, इट विल बी डिफरेंट। इफ उरद बीन इज बीइंग ग्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फील्ड, द सीड शुड बी इनकल्केटेड विथ डैश, सॉरी इनोक्यूलेटेड, नॉट इनकल्केटेड, इनोक्यूलेटेड विथ डैश। ठीक है, अगर उरद बीन या फिर ब्लैक ग्राम को हम पहली बार ग्रो कर रहे हैं फील्ड में, तो जो सीड है वो किस चीज से इनोकुलेट करना चाहिए? एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, स्यूडोमोनस, क्लॉस्ट्रिडियम, बोथ ए एंड सी। आंसर, उरद बीन इज बीइंग ग्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ फील्ड। ठीक है, सो द राइट आंसर हियर इज बी, राइजोबियम। ओके, सो द राइट आंसर हियर इज बी, दैट इज राइजोबियम। ठीक है, नेक्स्ट, पल्स क्रॉप्स हैव द एबिलिटी टू ऑब्टेन मच ऑफ देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एयर विद इन द सॉइल। सो बेसिकली जो पल्स क्रॉप है या जो लेग्यूम फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली के क्रॉप्स हैं, गाइज लेग्यूमिनेसी और फैबेसी दोनों ही सेम चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो ये जो क्रॉप्स है ना, ये बेसिकली इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। सर ऐसे ही होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। सो राइजोबियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं कि भाई लेग्यूम भैया मुझे क्या करो ना, अपने रूट्स में रह, अपने रूट में रहने के लिए जगह दे दो। तो लेग्यूम बोलता है यार मैं तो जगह तुम्हें दे दूंगा अपने रूट्स में, लेकिन यार इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो राइजोबियम कहता है चलो ठीक है, अगर आपको रेंट चाहिए रहने के लिए तो मैं ऐसा करता हूं, पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन जो एटमोस्फियर में नाइट्रोजन है जो किसी काम का नहीं है, जिसको हम N2 या इनर्ट नाइट्रोजन कहते हैं, उस नाइट्रोजन को मैं चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज कर दूंगा? इसको मैं NO3 बना दूंगा। ठीक है, तो प्लांट कहता है अरे बहुत बढ़िया भाई, अगर NO3 बना दोगे तो फिर मेरे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा नाइट्रोजन को अवेलेबल कराना सॉइल में। तो इसीलिए भाई लेग्यूम भैया क्या किए कि जो राइजोबियम है उसको अपने रूट में रहने की अनुमति दे दिए। ठीक है, नेक्स्ट, सो पल्स क्रॉप्स ऑफ दिस एबिलिटी, दिस इज डन व्हेन द प्लांट फॉर्म्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द सॉइल बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। ठीक है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए, राइजोबियम को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? इसका रूट चाहिए और राइजोबियम इसके बदले नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुइटेबली ग्रोन एज अ मिक्स्ड क्रॉप विथ व्हीट। ठीक है, वीट के साथ कौन से क्रॉप को हम जनरली मिक्स करके सोइंग करते हैं? आंसर, समझा नहीं हेमेंद्र, एक बार अच्छे से बताइए मैकेनिज्म क्या है।
समझा नहीं मैं, ये वर्ड ही नहीं समझ में आया कि आप क्या पूछ रहे हो. Which one of the following can be suitably grown as a mixed crop with wheat? Yes, very good. बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा मस्टर्ड. ठीक है, मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन से लेके अभी तक हर एक वेबसाइट पे ICAR, TNAU, हर एक वेबसाइट पे आपको जब भी इंटरक्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग का एग्जाम्पल दिया गया होगा, सो इट इज ऑलवेज मस्टर्ड एंड वीट. ठीक है, हाँ, 8:1 और 9:1. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो इंटरक्रॉपिंग ऑफ वीट एंड मस्टर्ड एट 5:1 रो रेशियो प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम ग्रॉस रिटर्न. ठीक है, सो देखो अगर हम इंटर अलग अलग बुक्स में अलग अलग होते हैं. गाइस एक और चीज मैं बताता हूं, आई विल गिव यू सम प्रैक्टिकल नॉलेज हियर. आप बोलोगे सर यहां 5:1 लिखा है, सर मैंने 8:1 पढ़ा है, देन पल्लवी विल से कि मैंने 9:1 पढ़ा है. ठीक है, सो बेसिकली दीज आर नॉट रॉन्ग, दीज आर डिफरेंट इंटरक्रॉपिंग पैटर्न्स एडॉप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स. ठीक है, अलग अलग जोन्स में अलग अलग इंटरक्रॉपिंग पैटर्न्स को अडॉप्ट किया गया है, तो ये गलत नहीं है. ठीक है, एकदम सही है. मतलब 9 rows of wheat, 1 row of mustard, 8 rows of wheat, 1 row of mustard, 5 rows of wheat, 1 row of mustard. ठीक है, तो गलत बिल्कुल भी नहीं है, सारे सही है यहां पे. ओके, जितने भी आप देख रहे हो सबका यील्ड अलग अलग होता है. आपको जितना आपको मस्टर्ड ज्यादा चाहिए, आपको उतने कम वीट के साथ मस्टर्ड प्लांट करना है. जितना आपको मस्टर्ड कम चाहिए, उतना आपको 9:1 की तरफ प्लांट करना है. ठीक है, गॉट इट गाइस? वर्षित बहुत बड़ी बात है यार. ठीक है, जब देखो द वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस इज डेडिकेशन एंड सिलेक्शन. ठीक है, मुझे ना ही अपनी वाह करानी है, कुछ नहीं, ना ही मुझे क्रेडिट लेना है. ओके, आई वॉन्ट ओनली वन थिंग, दैट वेन योर IBPS AFO और FCI results आर डिक्लेयर्ड, ओके, यू विल कम टू दिस सेम यूट्यूब सेशन एंड यू विल से दैट यस आई गॉट सिलेक्टेड. ओके, नाउ आई एम एन AFO और I am a FCI AG3 or manager. Okay, so that is what I expect from you guys. I don't want to you to go tell. I always say that tell people to join Agriculture Adda 24/7. I never say that tell people to come and attend Sandeep sir's class. No. Okay. Tell people, tell your students, tell your friends that go ahead and join Agriculture Adda 24/7. There is a team of 5 agriculture faculties there. Okay, I don't want any one teacher specific name to be told ki ha Sandeep sir ke class attend karo, Akash sir ki class attend karo, Hina ma'am ki, Meenakshi ma'am ki, or Varsha ma'am. Tell them that there are 5 faculties, they teach different subjects and everyone is an expert in their subjects. Okay, as far as my teaching at Adda 24/7 is concerned, for one complete year AFO, FCI, I have taught all the subjects A to Z. Okay, after that 1 year in 2021, finally we got a complete team and everyone started teaching different subjects. Till then I used to teach all the subjects on this platform, and then I used to teach on the main channel, that is Adda 24/7. Us time pe agriculture Adda 24/7 nahi tha. Theek hai, chaliye aage badhte hain. कैसे फिक्स करता है हेमेंद्र, यही तो बोला ना. देखो राइजोबियम के पास ना शक्ति है, ठीक है, राइजोबियम के पास शक्ति है कि वो फिक्स कर सकता है, लेकिन फिक्स करने के लिए उसको खाने की जरूरत है. आप बोलोगे कि मेरे पास बहुत एनर्जी है, मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन मैं बोलूंगा ठीक है कर लो, लेकिन उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या आप वो काम करोगे? आपको बदले में कुछ चाहिए ना, आपको सैलरी चाहिए, उसके बदले आपको खाना चाहिए. ठीक है, मैं बोलूंगा भाई खाना नहीं खाना है हेमेंद्र, काम करते जाना है, मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए. ठीक है, तो राइजोबियम का एबिलिटी है, राइजोबियम वो काम कर सकता है. ठीक है, वो फिक्स कर सकता है. ठीक है, लेकिन बात यह है कि उसको रहने की जगह चाहिए, खाने के लिए कुछ खाना चाहिए. वो रहने की जगह और खाने के लिए जो खाना है ना, वो लेग्यूम प्रोवाइड करता है. ठीक है, और लेग्यूम के रूट्स पे छोटे छोटे, माई ड्रॉइंग इज नॉट गुड, ओके, सो लेग्यूम्स के रूट्स पे ऐसे छोटे छोटे नोड्यूल्स बना देता है. नाउ दीज नोड्यूल्स कंटेन नाइट्रेट. ओके, जब आप क्या करोगे, इसको प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दोगे ना, सो ऑटोमेटिकली नाइट्रेट रिलीज हो जाएगा. ठीक है, थैंक यू.
थैंक यू सो मच पल्लवी एंड सुमिति. कौन कौन से क्रॉप के साथ, कौन से मिक्स्ड क्रॉप या इंटरक्रॉप लगेगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक है क्या? हाँ है ना. देखो जब भी हम इंटरक्रॉपिंग या मिक्स्ड क्रॉपिंग की बात करते हैं ना, एक चीज हम हमेशा ध्यान में रखते हैं कि दोनों क्रॉप एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करने चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए भाई, टाइम हो रहा है आज के क्लास का खत्म होने का, ठीक है. दोनों क्रॉप में से कोई भी क्रॉप कंपीट नहीं करना चाहिए. जैसे कि मान लो मेज है, मेज और ब्लैक ग्राम, या फिर वीट मस्टर्ड. वीट मस्टर्ड दोनों ही खरीफ क्रॉप, सॉरी रबी क्रॉप है, ठीक है. सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि दोनों का ग्रोइंग कंडीशन सेम होना चाहिए, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ कंपीट नहीं करने चाहिए. ओके, यहां पर अगर आप वीट और मेज लगा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. दोनों सीरियल क्रॉप हैं, दोनों को आप फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करा नहीं पाओगे. मेज और ब्लैक ग्राम के केस में क्या है, एक जो है सीरियल क्रॉप है, एक लेग्यूम क्रॉप है, एक का जो टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी टाइम है, वो 30 to 45 days का रहता है, ठीक है. एक यहाँ पे 120 दिन तक चलता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है दोनों में, तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए. ये सबसे मेन पॉइंट है. ब्लैक ग्राम की अगर बात करूं तो ब्लैक ग्राम कैन बी ग्रोन इन एनी टेम्परेचर, एनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन. ब्लैक ग्राम आप साल के 12 महीने ग्रो कर सकते हो, मूंग दाल और एंड ब्लैक ग्राम. ओके, Which of the species of sugar cane is referred as noble cane? Sugar cane के कौन से species को noble cane कहते हैं? फटाफट बता दो, तीन question है, आधा नहीं छोड़ना है. Answer. सर क्लास डेली सेम टाइम होती है. विशेष देखो क्लास ना रोज सुबह एग्रीकल्चर करंट अफेयर होता है 9 बजे, ठीक है. मैं क्लास टाइम एक बार बता देता हूं, 9:30 बजे जनरल एग्रीकल्चर, 10 बजे 11 बजे एग्रीकल्चर के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं. मैं फिलहाल मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे ले रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जल्दी शायद आकाश सर भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे और मैं यहां पे 2 दिन ये जनरली क्लास लूंगा शायद, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है. फॉर द टाइम बिंग माई क्लासेस आर मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे 10 AM, बट At different timings and different days, you are also getting different classes. फिलहाल के लिए सुबह 8 बजे आकाश सर की हॉर्टिकल्चर क्लास भी होती है, बट मे बी ये क्लास अभी नहीं होगा और ये क्लास यहाँ आ जाएगा, ठीक है. सो मैं बताऊंगा आपको. एंड अगेन FCI के क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे एट 1 PM, ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट. The right answer is Saccharum officinarum. Okay, Saccharum officinarum is known as the noble cane, जो कि हम सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं. ओके, नेक्स्ट. इन वीट सेमिनल रूट्स आर डैश. वीट में ना सेमिनल रूट्स होते हैं. ये सेमिनल रूट्स क्या होते हैं? इंड्यूस एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ अगेंस्ट लॉजिंग, मतलब हवा की वजह से गिरने को रोकने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द प्लांट्स. प्लांट्स के अर्ली स्टेजेस में प्लांट को नरिश करता है थ्रू डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. टेक केयर ऑफ द प्लांट्स ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द क्रॉप. क्रॉप के लेटर स्टेजेस में मतलब बाद में क्रॉप का केयर लेता है. अपीयर ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज. क्रॉप का जो वेजिटेटिव फेज है उस टाइम अपीयर होता है, या ऑल ऑफ द अबव. जरा सोच समझ के आंसर दो. हाँ, आज सुबह 8 बजे क्लास नहीं होती थी सुमिति. देखो वो चीज मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्लासेस को कंटिन्यू रखवाऊंगा, ठीक है. सो वो चीज मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि 8 बजे आकाश सर की बहुत जल्दी एक दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है पेड बैच में. सो आई एम नॉट श्योर. ओके, सो द राइट आंसर इज बी. रेस्पॉन्सिबल फॉर नरिशिंग द प्लांट्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ. जो प्राइमरी रूट है ना, That is what we call the seminal roots. बाद में आएगा आपका CRI वगैरह, ठीक है. Next, so the seminal root system of wheat, triticum, stivum is composed of the primary root. ठीक है, seminal root को हम primary root कहते हैं. The first pair of seminal root, the second pair of seminal root, which are known to grow in different directions. Okay. Next, 24. Intercropping is a system of cropping to make the maximum, mainly use of dash. Solar energy, water resource, soil resource, only A and B or only A and C. Answer. Intercropping is a system of cropping to make the maximum use of dash. Sir, हमको AFO बना दो इस साल. भाई आप dedication रखो, कोई रोक नहीं पाएगा आपको. Last year एक बच्चे ने, ठीक है, YouTube क्लासेस किए थे, सिर्फ YouTube क्लासेस, और उसने खुद से सेल्फ स्टडी की थी. क्योंकि सिर्फ YouTube क्लासेस से आप नहीं कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है. और उसने AFO निकाल भी दिया, ठीक है. मेरे मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ,
अगर आप कभी भी सेशन में आओ ना तो प्लीज अपना नंबर फिर से शेयर करना, मुझे उनका नंबर भी था मेरे पास, मैंने बात भी की थी, बाय मिस्टेक नंबर मुझसे रिप्लेस हो गया, मिसप्लेस हो गया, ठीक है, और वो नंबर अभी मेरे पास है नहीं. द राइट आंसर इज सी, यूपी से है वो, ठीक है. द आंसर इज सॉयल रिसोर्सेज. तो अब सोच लो आप यूट्यूब क्लासेस के क्वालिटी कैसे होते हैं, ये आज और कल की बात नहीं है, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब ना ही आकाश सर थे, ना ही मीनाक्षी मैम थी, ना ही हीना मैम थी, नहीं मतलब मैं था, वर्षा मैम थी, और एक दो दूसरे फैकल्टी थे, ठीक है. चलो, इंटरक्रॉपिंग इज अ सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग टू मेक द मैक्सिमम मेनली यूज ऑफ सॉयल रिसोर्स, ठीक है. सो बेसिकली ऑल द सॉयल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल शुड बी यूज्ड प्रॉपरली इन ऑर्डर टू ग्रो द क्रॉप्स. कल्याण सोना इज अ डैश वेराइटी, सिंगल जिन ड्वार्फ, डबल जिन ड्वार्फ, ट्रिपल जिन ड्वार्फ, टॉल व्हीट या हैवी व्हीट. कम ऑन गाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फिर मेरी क्लास आपको मिलेगी कल सुबह 9 बजे. करंट अफेयर्स, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे सुबह 9 बजे, एग्रीकल्चर करंट अफेयर, सो प्लीज डोंट मिस द क्लासेस. 9:30 बजे जनरल एग्रीकल्चर. सोलर एनर्जी धरित्री, यार देखो सोलर एनर्जी जब हम बात करते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि हम सोलर एनर्जी के हिसाब से इंटरक्रॉपिंग करते हैं, ठीक है. हमारा जो मेन एम होता है ना वो सॉयल रिसोर्सेस होता है, कि हमारे सॉयल में, अगर सॉयल रिसोर्स की जगह फार्म रिसोर्सेस होता तब वो भी सही होता, ठीक है. तो हम सॉयल रिसोर्स या फार्म रिसोर्सेस को कैसे यूज करते हैं उसके हिसाब से इंटरक्रॉपिंग हम करते हैं, हम कभी सोलर एनर्जी के हिसाब से इंटरक्रॉपिंग नहीं करते हैं, ठीक है. सिंगल जिन ड्वार्फ, कल्याण सोना इज अ सिंगल जिन ड्वार्फ, किसने, अच्छा एक दो ने बोला है, तो गलती मत कीजिएगा. कल्याण सोना इज अ डबल जीन ड्वार्फ, ठीक है. कल्याण सोना इज रेजिस्टेंट टू रस्ट एंड वाइड रेंज ऑफ एडॉप्टेशन, मतलब बहुत सारे अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कल्याण सोना एडॉप्ट हो सकता है. अब बात कर लेते हैं भाई आपके एग्रीकल्चर महापैक के बारे में, जो स्टूडेंट्स नए हैं. देखिए एग्रीकल्चर महापैक ना एक सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको सारे बैचेस, जैसे कि AFO, ठीक है, नाबार्ड, FSSAI, FCI, सारे बैचेस, सारे टेस्ट सीरीज, जैसे कि हरियाणा ADO, एग्रीकल्चर फाउंडेशन, AFO टेस्ट सीरीज, सारे ई बुक, जैसे कि FCI, नाबार्ड, मतलब जो भी हमारे पास अवेलेबल है सब कुछ आपको मिलता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ठीक है. और ये सारे बैचेस आपको जनरली 12 महीने के लिए मिलते हैं 7,399 रुपए में, ठीक है. लेकिन आज के लिए आपको ये मिल रहा है 24 महीने के लिए, वो भी 6,080 रुपए में, ठीक है. 6,080 छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे कि 2 साल तक आपको सारा कंटेंट मिल रहा है तो हाँ 6,080 कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है. आप 2 साल के लिए एनरोल कर रहे हो, आप एक बैच में एनरोल नहीं कर रहे हो, ठीक है. सो यहाँ पे एनरोल करने के लिए आप अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन में जा सकते हो और एनरोल कर सकते हो. अगर आप अलग से AFO के बैच में एनरोल करना चाहो तो ये AFO का बैच है जो 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है. धरित्री आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको आपको कैसे अपग्रेड करना है. 6 अक्टूबर का ये आपका बैच है. 6 अक्टूबर के इस बैच में आपको बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, AFO में जब आप एनरोल करोगे, चाहे AFO हो या एग्रीकल्चर महापैक हो, Y291A कोड आपको यूज करना है. इसमें आपको आज के लिए 80% ऑफ और डबल वैलिडिटी मिलेगा, मतलब 6 महीने की जगह 12 महीने की वैलिडिटी मिलेगी. 3,219 रुपए की जगह 2,660 रुपए में ये बैच मिलेगा. ये कंप्लीट बैच है, मतलब प्री प्लस मेंस का बैच है. ओके, नेक्स्ट. सो FCI, ठीक है, FCI के बैचेस पर भी डबल वैलिडिटी और 80% है. तो आइए एक बार देख लेते हैं कैसे एनरोल करना है. तो गाइज adda247.com पे जाना है. मान लीजिए आपको AFO के बैच में एनरोल करना है तो AFO सर्च कर लीजिए, ये रहा, ठीक है. सो AFO का ये बैच है, इसमें एग्रीकल्चर के लिए आकाश सर, मीनाक्षी मैम, हीना मैम, वर्षा मैम और मैं 5 लोग हैं, प्लस प्री के लिए यहाँ पे सिद्धार्थ सर, सोना मैम और रूपम मैम, ठीक है. बाय नाउ पे जाना है और एक ये जो कोड है ना यहाँ पर आपको टाइप करना है Y291, मतलब Y291A, अप्लाई. जैसे आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर 2,800 दिखा रहा है. मोबाइल एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर कुछ क्वाइंस दिखेंगे, जैसे ही आप क्वाइंस पे टैप करेंगे तो 2,660 रुपए का ये बैच हो जाएगा, ठीक है. तो आप AFO में एनरोल कर सकते हैं. और अगर आप बाकी बहुत जितना भी एग्जाम आएगा जिसके बैचेस में आप एनरोल करना चाहोगे, या ये टेस्ट सीरीज हो गया, ये सारी चीजें आपको एग्रीकल्चर महापैक में भी मिलती हैं, ठीक है. जितने एग्जाम है सब कुछ आप एक बार डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो.
ऑल लाइव क्लासेस, ऑल टेस्ट सीरीज, ऑल रिकॉर्डेड बैचेस, ऑल ई बुक्स, FSS, AI, FCI, IBPS, AFO, Bank of Maharashtra, IFCO, NABARD, NSC, Haryana ADO, State Agriculture Exam, Cotton Corporation, जो भी आएगा सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा. Y291A कोड यूज कीजिए, अप्लाई कीजिए. यहां पर 6400 दिखा रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन में 6080 रुपए दिखाएगा. ठीक है सर, CGL के लिए भी है क्या? हाँ CGL के लिए भी है. जैसी CGL के लिए CGL का बैच है, ठीक है. आप सिंपली अगर SSC CGL भी सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, ये देखो, ये आपका ब्रह्मास्त्र CGL कहाँ चला गया, CGL टायर 1 टायर 2, ठीक है. और अगर आपको सिर्फ टायर 1 के लिए चाहिए तो CGL का लक्ष्य. लेकिन ध्यान रहे, इस पे कोई 80% ऑफ नहीं है, इस पे आपको Y291 का कोड यूज करना है, A कोड इसमें काम नहीं करेगा. ठीक है, सो मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 9 बजे. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ और जुड़े रहिए हमारे साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के साथ. साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 ऑफिशियल. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.